समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारा एक सखा वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तुमको जो भी प्राप्त हुआ तुम पांचों भाई आपस में बांट। सफल होता अब लगे
दासी को ले आओ इस सभा में। के बाण पे उतार लो।
मान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के रूप हार दो। आन पान शाम या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे बाल पर जला रहे हुए जय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम बुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। संसार में जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार।